हेलो। चले बेटा, अब हम स्टार्ट करते हैं हमारे इंग्लिश का। अच्छा, मेरी आवाज आ रही कि नहीं नीरज बेटा? मेरी आवाज अब तक आ रही है? आ रही है तो हैंड रेज कीजिए। शिखा बेटा, शिखा मेरी आवाज आ रही है? वेरी गुड, थैंक यू। है ना, वेरी गुड बेटा। तो चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं। टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट द फर्स्ट लेशन ऑफ इंग्लिश। अभी तक क्या हो रहा था, हम तो बस अभी एक चैप्टर पे ऑनलाइन एजुकेशन में, जो ऑनलाइन अपनी क्लासेस चल रहे हैं, बस एक सब्जेक्ट में लेके बात कर रहे थे। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं आपका नेक्स्ट चैप्टर, और वो है इंग्लिश। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं आज से इंग्लिश। ओके, आज हम स्टार्ट करने वाले हैं हमारा फर्स्ट लेशन, एंड द फर्स्ट लेशन इज, देखते हैं क्या है। अरे फटाफट, बेटा एक्सक्यूज में, थोड़ा सा फाइल गलत आ गई है, 2 मिनट चेंज कर लेते हैं। बस 2 मिनट वेट कीजिएगा, 2 मिनट क्लास छोड़ के जाइएगा मत, बस 2 मिनट वेट कीजिए। चलिए बेटा, तो अब हम स्टार्ट करते हैं, है ना। वो थोड़ा सा क्या हो रहा था, मुझे ऐसा लग रहा था कि लेशन नहीं आपका आ रहा है। आप देखिए, आज हम स्टार्ट कर रहे हैं, आज से आपका स्टार्ट कर रहे हैं इंग्लिश, है ना। अभी तक क्या हो रहा था, हम बस वन चैप्टर ही पढ़ रहे, मतलब एक ही सब्जेक्ट पढ़ रहे थे, और बाकी सब्जेक्ट हम जो वीडियो जा रहे थे आप तक, है ना। अब हम ट्राई कर रहे हैं कि जो उधर हुआ ठीक है उधर चलने दीजिए, और यहाँ पे जो सब्जेक्ट अभी तक हमने आपको टच नहीं किया था वो हम स्टार्ट कर रहे थे, करने वाले थे। तो आज हम स्टार्ट कर रहे हैं आपका इंग्लिश, है ना। आपको इंग्लिश में इस बार टू बुक्स है ना। आपने बुक परचेज की हुई है तो आपको मालूम है कि टू बुक्स इस बार हमें इंग्लिश में पढ़ना है ना।
तो ये जो बुक है इसका नाम है हनी कॉम। क्या है? हनी कॉम। मेरी आवाज सब तक आ रही है? सिखा, मुस्कान, हैंड्स अप प्लीज। अगर आवाज आ रही है तो थोड़ा हैंड्स अप करें। वेरी गुड। चलिए, तो आज हम स्टार्ट करने वाले हैं आपकी बुक हनी कॉम का चैप्टर नंबर वन। और चैप्टर नंबर वन है थ्री क्वेश्चन, है ना? क्या है चैप्टर नंबर वन? थ्री क्वेश्चन। लेशन नंबर वन, थ्री क्वेश्चन। चलिए हम देखते हैं इस लेशन में, इस स्टोरी में हमें क्या सीखना है, हम क्या पढ़ने वाले हैं। ठीक है, चलिए तो हम पढ़ने वाले हैं ये बिफोर यू रीड। अच्छा देखिए, ये लेशन पढ़ने के पहले पूछना चाहूंगा कि जो भी आपने पहले के जो ट्रांसलेशन सीखे थे, जो टेंसेस सीखे थे, आपको सब लर्न है कि नहीं लर्न है? लर्न है। जय यादव बेटा, जय, आपको पहले के सब ट्रांसलेशन टेंसेस आते हैं कि भूल गए हैं? बताइए आते हैं क्या? अगर आते हैं तो हैंड्स अप कीजिए बेटा, हैंड्स अप प्लीज। वेरी गुड। मुस्कान आते ना बेटा? सिखा बेटा आते हैं? चलिए तो बहुत बढ़िया, क्योंकि क्या है, हम इंग्लिश पढ़ने वाले हैं तो यहां से हमें क्या करना पड़ेगा, यहां से हमें करना पड़ेगा कि पहले हमें ट्रांसलेशन या जो भी हमने ग्रामर पढ़ा हुआ है पीछे, ग्रामर को हमें फिर से घर पर बैठ कर आपसे रिवाइज करना है ना। और यहाँ पर मैं आपको लेशन रीड करवा रहा हूँ, ये बुक आपको ले लेनी है और घर पर बैठ कर रीड करना स्टार्ट करना। क्योंकि बेटे देखिए क्या हो रहा था, दो साल की गैपिंग है, है ना? और आपने घर पे कितना बैठ के पढ़ा है, इवन ऑनलाइन एजुकेशन तो कंटिन्यू थी लेकिन कितना बैठ के पढ़ा है, प्रैक्टिस आपने की है कि नहीं की है, कहीं आप फिर से वहां पे कमजोर तो नहीं हो रहे हैं? कमजोर तो नहीं हो रहे हैं, तो इसलिए एक बार फिर से पीछे का पूरा रिवाइज कर लीजिए। मेरी आवाज आ रही है आप सब तक? जिसे आ रही है थोड़ा हैंड रेज कर दे। आ रही है, चलिए थैंक यू। तो चलिए हम स्टार्ट करें यहाँ से चैप्टर। दीपांशु मेरी आवाज आ रही है ना बेटा? घर पर बैठ के आज से पढ़ाई एकदम स्टार्ट कर दो, पीछे का पूरा रिवाइज करना स्टार्ट कर दीजिए, क्योंकि इंग्लिश इज योर लैंग्वेज और इंग्लिश आपको पढ़ना समझ में आना तो इट इज वेरी नेसेसरी। तो चलिए हम चैप्टर स्टार्ट कर ले, है ना, फटाफट स्टार्ट कर ले, क्योंकि नहीं तो लेक्चर हमारा ओवर हो जाएगा। तो चलिए हम आज से स्टार्ट करते हैं। आपकी बुक है, जो ये बुक का आपको फर्स्ट चैप्टर दिख रहा है, थ्री क्वेश्चंस, है ना। इस बुक का नाम है हनी कॉम, है ना। हनी कॉम है, हनी कॉम है, है ना। और हनी कॉम जो बुक है उसका लेशन नंबर हम फर्स्ट पढ़ रहे हैं आज, है ना। तो आप भी बुक लीजिए और इसे घर पर बैठ कर रीड करना स्टार्ट कीजिए। देखिए क्या बता रहा है, अ किंग हैज थ्री क्वेश्चन, अ किंग हैज थ्री क्वेश्चन। एक किंग के पास तीन क्वेश्चन थे, एक किंग के पास तीन क्वेश्चन थे एंड और ही इज सीकिंग आंसर्स टू देम। और सीकिंग मतलब होता है अटेम्प्टिंग टू फाइंड, है ना। इसे आप बोल सकते हैं कि ही इज अटेम्प्टिंग टू फाइंड, मतलब सीकिंग मतलब आप सोच, आप आपकी लैंग्वेज में बोलते हैं ढूंढना, है ना। जैसे हम किसी चीज का जवाब ढूंढते हैं ना, तो ऐसे ही एक जो किंग है, किंग मतलब राजा, आपको मालूम है ना, किंग मतलब राजा होता है, क्वीन मतलब रानी होती, प्रिंस मतलब राजकुमार होता है, प्रिंसेस मतलब राजकुमारी होती है, रॉयल फैमिलीज मतलब राजशाही परिवार होते हैं, रॉयल कोर्ट मतलब राजशाही दरबार होता है, है ना। ये कुछ रिलेटेड वर्ड्स मैंने आपको यहाँ पे बताए। तो देखिए यहाँ पे बात कर रहा है, अ किंग हैज थ्री क्वेश्चन, एक किंग के पास तीन क्वेश्चन थे, उसके दिमाग में तीन क्वेश्चन थे एंड ही इज सीकिंग आंसर टू देम। और वो क्या कर रहा था, उनके जवाब ढूंढ रहा था।
ठीक है, what are the questions, ये questions क्या है, does the king get what he wants, क्या king को मिलता है जो वो चाहता है, मतलब क्या कहने का sense कि king को वो जवाब मिलता है जो king पाना चाहता है, वो तीन questions के लिए। तो चलिए अब हम यहाँ से story start करते हैं और हम देखें तो सही कि king जो है उसके दिमाग में क्या तीन क्वेश्चन है और वो उसके जवाब क्या चाहता है, व्हाट ही वांट द आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। तो चले हम यहाँ से स्टार्ट कर रहे हैं हनी कॉम्ब बुक का लेशन नंबर 1, 3 क्वेश्चंस। और मैं आपको रिक्वेस्ट करूंगा फिर से कि आप लोग बुक फटाफट ले लें और घर पे बैठ के पढ़ाई स्टार्ट कर दें भैया, बिकॉज नाउ वी आर इन द 7th स्टैंडर्ड। और अब ना पीछे क्लास जैसा अगर आप करेंगे तो आप हो जाएंगे वीक स्टूडेंट्स, है ना। तो अब रीड करना इट इज वेरी नेसेसरी, है ना, आपको डेली बेसिस पे हर बुक को टच करना है, रीड करना है। अगर जितना पढ़ रहे आपने नहीं पढ़ा तो आप समझ लीजिए कि हम धीरे 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 हम वीक स्टूडेंट की कैटेगरी में आ रहे हैं, ठीक है। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। थ्री क्वेश्चंस, तीन सवाल। द थ्रू कैम टू अ सर्टेन किंग, द थॉट कैम टू अ सर्टेन किंग, सर्टेन क्या बता रहा है, कुछ विचार आते हैं किसी किंग, किसी राजा के दिमाग में, कुछ सोच कुछ विचार आते हैं किसी राजा के दिमाग में। सर्टेन मतलब होता है जिसके बारे में हमें पता नहीं हो, है ना। हम बोलते हैं ना किसी ने ये किया, सर्टेन पर्सन डिड दिस, है ना। सर्टेन मतलब सर्टेन, ये जो वर्ड है CERTAIN, सर्टेन, सर्टेन मतलब सर्टेन मतलब, बेटा मेरी वॉइस क्लियर हो जाएगी। इवन क्या है, आपका ना घनश्याम मुझसे बोल रहे हैं कि सर आपका आवाज क्लियर नहीं आ रहा है, राजवीर की भी ये प्रॉब्लम आ रही है कि सर आवाज वॉइस क्लियर नहीं आ रही है। बेटा मैंने यहाँ से रिफ्रेश भी कर दिया है और मेरा नेट कनेक्शन भी प्रॉपर चल रहा है, आपके वहां नेट की प्रॉब्लम आ रही होगी इसलिए क्या है नेटवर्क में इशू आ रहा होगा, इसलिए आपको मेरी आवाज में प्रॉब्लम जा रहा है ना। तो आप थोड़ा नेट कनेक्शन देखें, है ना, ठीक है बेटा। नेट कनेक्शन आपका अगर सिस्टमेटिक रहेगा तो मेरी आवाज आपको प्रॉपर आएगी। जय, मेरी आवाज आ रही है बेटा, हैंड रेस करके बता दीजिए, ठीक है। मुस्कान, शिखा, मेरी आवाज आ रही है, यस यस भावसा, मेरी आवाज आ रही है बेटा आपको, हैंड रेस प्लीज, थैंक यू बेटा। जिसे जिसे मेरी आवाज नहीं आ रही है, कुछ एक आध लोग हैं जिसे मेरी आवाज नहीं आ रही है, तो बेटा आपके नेट कनेक्शन में प्रॉब्लम आ रही है। वैष्णवी बेटा नेट कनेक्शन देखिए, आपके नेट कनेक्शन में इशू आ रहा है इसलिए मेरी आवाज नहीं आ रही है बेटा, है ना। मेरे वहां से सब कुछ सिस्टमेटिक है, नेट भी मेरा प्रॉपर चल रहा है, ठीक है। तो चलिए हम चैप्टर यहाँ से स्टार्ट कर लेते हैं। यहाँ पे बताया जा रहा है थ्री क्वेश्चन, यहाँ पे बताया जा रहा है द थॉट केम टू अ सर्टेन किंग, सर्टेन मतलब होता है किसी राजा के दिमाग में कुछ थॉट आते हैं, सर्टेन मतलब किसी के बारे में जो हमें पता नहीं है, है ना। दैट ही वुड नेवर फेल, कि वो दैट मतलब कि ही वुड नेवर फेल, वो कभी फेल असफल नहीं होगा, इफ अगर ही न्यू थ्री थिंग्स, अगर उसे ही मतलब अगर ही न्यू, न्यू इज अ सेकंड फॉर्म, न्यू क्या है बेटा सेकंड फॉर्म है, इसका फर्स्ट फॉर्म क्या होता है नो, फिर न्यू, सेकंड फॉर्म नो मतलब जानना, तो न्यू मतलब ये जो वर्ड है यहाँ पे न्यू, इसका मतलब क्या होगा जानना, है ना, या जानता था। तो यहाँ पे बोला इफ अगर ही न्यू, अगर वो जानता थ्री थिंग्स, ये तीन चीज है ना। पूरा सेंटेंस क्या हो गया, He would never fail, वो कभी फेल नहीं होगा, if he knew three things, अगर वो तीन चीजें जानेगा, these three things were, और ये तीन चीजें थी, these three things, ये आपका सब्जेक्ट हो गया, these three things, ये आपका सब्जेक्ट है, verb, helping verb है, तो ये तीन चीजें थी, what is the right time
राइट टाइम, राइट टाइम, सही समय टू बिगिन। बिगिन मीन्स क्या होता है बेटा? टू स्टार्ट। बिगिन मतलब स्टार्ट करना, बिगिन करना, है ना। तो टू बिगिन टू स्टार्ट मतलब किसी चीज को शुरू करने का सही समय क्या है। अब जैसे मैंने आपको बोला कि बेटा आप लोग बुक रीडिंग स्टार्ट कर दीजिए, अपनी पढ़ाई सिस्टमेटिक कर लीजिए, है ना। क्योंकि क्या है, अगर आप लेट होंगे तो अच्छा समय जो प्रॉपर टाइम है वो तो निकल जाएगा, और प्रॉपर टाइम अगर निकल जाएगा तो फिर तो क्या होगी, हम धीरे 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 पिछड़ने लगेंगे ना। वे वर द लास्ट इन द क्लास। तो हमें क्या करना पड़ेगा कि हर चीज क्या होती है, एक सही समय से स्टार्ट करनी होती है। पढ़ाई सही समय से करना होता है, किसी गेम्स में हमें पार्टिसिपेट करना है तो वो सही समय से करना होता है ना। तो हर चीज हमें रिक्वायर्ड होती है कि एक सही समय से स्टार्ट करें। तो जो किंग है उसके दिमाग में भी 3 क्वेश्चन है, और उसमें फर्स्ट क्वेश्चन है कि व्हाट इज द राइट टाइम टू बिगिन समथिंग, कि क्या सही समय है किसी चीज को स्टार्ट करने के लिए। फर्स्ट क्वेश्चन है। सेकंड क्वेश्चन क्या बोल रहा है, विच पीपल शुड ही लिसन टू, किसकी बात उससे सुननी चाहिए। जैसे हमें कोई काम स्टार्ट करना होता है और हम जब लोगों को एडवाइस करते हैं, नहीं, हमें कोई काम स्टार्ट करना होता है, कोई हमें काम करना होता है और लोग हमें, बहुत सारे लोग हमें एडवाइस करते हैं, तो हमें समझ में नहीं आता है। दैट टाइम वी कंफ्यूज्ड कि हमें किसकी बात सुनना चाहिए और किसकी बात नहीं सुनना चाहिए। तो यही किंग का भी सेकंड क्वेश्चन है कि विच पीपल शुड ही लिसन टू, उसे किसकी बात को सुनना चाहिए। और थर्ड और लास्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग फॉर हिम टू डू, और क्या जरूरी चीज है जो उसे हिम टू डू फॉर हिम, उसे क्या जरूरी चीज है जो उसके लिए उसे करना चाहिए, है ना। तो ये 3 क्वेश्चन हो गए। फर्स्ट क्वेश्चन क्या बता रहा है, व्हाट इज द राइट टाइम टू बिगिन समथिंग, क्या सही समय है किसी चीज को चालू करने के लिए। सेकेंड क्वेश्चन है, व्हाट पीपल शुड हियर इज टू, उसे किन लोगों की बात सुननी चाहिए। और तीसरा क्वेश्चन है, व्हाट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग फॉर हिम टू डू, क्या जरूरी चीज है जो उसे उसके लिए करना चाहिए। अब देखिए, 3 तो क्वेश्चन किंग के माइंड में है, अब उसके आंसर को ढूंढने के लिए, फाइंड आउट करने के लिए वो क्या कर रहा है ना। तो देखते हैं, द किंग देयरफॉर सेंड मैसेजेस थ्रू आउट द किंगडम, है ना। द किंग मतलब वो राजा, देयरफॉर सो इसलिए, देयरफॉर मतलब इसलिए, सेंड, सेंड फर्स्ट फॉर्म होता है बेटा, सेंड सेकेंड फॉर्म हुआ ना, जैसे हम मैसेज सेंड करते हैं, सेंड मतलब क्या होता है, भेजना। सेकेंड फॉर्म इज सेंट, सेंट SENT, सेंट, सेंट मतलब भेजा, है ना। आपको लग है ये चीजें जो मैं बता रहा हूं, आपको याद है ना, आप लोग ने बहुत सारी चीजें पढ़ी हैं, है ना, तो याद होगा आपको। तो यहाँ पे बताया जा रहा है, द किंग मतलब वो राजा, देयरफॉर इसलिए, सेंट, सेंट मतलब सेकेंड फॉर्म, और इसका सेंस क्या होगा, भेजा। मैसेंजर्स, उसने क्या किया, मैसेंजर्स को भेजा, है ना। सेंड मैसेंजर, मैसेंजर मतलब समझते हैं ना, जो ये राजा का मैसेज लेके जाता है। तो मैसेंजर्स थ्रू आउट हिज किंगडम, थ्रू आउट मतलब एवरी पार्ट ऑफ द, एवरी पार्ट मतलब हर जगह, थ्रू आउट मतलब पूरे जगह, एवरी पार्ट ऑफ हिज किंगडम, उसकी जो किंगडम थी, जो उसकी राजधानी थी, राजधानी में उसने अपने मैसेंजर्स को भेजा। किस लिए भेजा, क्योंकि उसे इस 3 क्वेश्चन के आंसर चाहिए थे। प्रॉमिसिंग अ लार्ज सम ऑफ मनी, और उसने प्रॉमिसिंग अ लार्ज सम ऑफ मनी मतलब उसने प्रॉमिस किया, एक लार्ज सम ऑफ मनी मतलब एक बड़ा अमाउंट, अच्छा ज्यादा अमाउंट पैसा देने के लिए, टू एनीवन, किसी को, हु वुड आंसर, जो जवाब देगा, हु मतलब जो, वुड देगा, आंसर मतलब जवाब, हु वुड आंसर, जो जवाब देगा, दिस 3 क्वेश्चंस, ये 3 क्वेश्चन का, है ना। मतलब उसने क्या किया कि उसने अपने मैसेंजर्स को उसके किंगडम में सेंड किया, पूरे किंगडम में सेंड किया, राजधानी में सेंड किया, और उसने प्रॉमिस भी किया, अनाउंस करवाया, प्रॉमिस किया कि भैया जो मुझे इन 3 सवालों के सही सही जवाब देता है, मैं उसे बहुत अच्छा, बहुत ज्यादा मनी दूंगा, है ना। वही ये बोल रहा है, हु वुड आंसर, जो जवाब देगा दिस 3 क्वेश्चन, इन 3 क्वेश्चन के, वो उसे क्या करेगा, गिफ्ट में बहुत ज्यादा पैसा देगा। मेनी वॉइस मैन
वॉइसमैन मतलब समझदार व्यक्ति, बुद्धिमान व्यक्ति, है ना। मैनी मतलब बहुत सारे, वॉइसमैन बहुत सारे, वॉइसमैन बुद्धिमान व्यक्ति। कैम, कैम इज सेकंड फॉर्म, कैम सेकंड फॉर्म है और इसका सेंस क्या निकलेगा बेटा, कैम कम, कम मतलब आना, तो कैम मतलब आए। तो यहाँ पे लिख रहा है मैनी वॉइसमैन कैम टू किंग, बहुत ज्यादा बहुत सारे समझदार लोग किंग के वहां आए, बट दे ऑल आंसर हिज क्वेश्चंस डिफरेंटली, लेकिन दे ऑल वे सभी आंसर्ड। सेकंड फॉर्म मतलब फर्स्ट फॉर्म क्या होगा, आंसर, आंसर मतलब कि आंसर देना, है ना, और आंसर मतलब आंसर दिया। तो यहाँ पे बोल रहा है बट दे ऑल, लेकिन वे सभी आंसर्ड हिज क्वेश्चन डिफरेंटली, लेकिन उन सभी ने उनके क्वेश्चन का अलग अलग आंसर दिया, है ना। तो अब आगे हम पढ़ते हैं स्टोरी। इन रिप्लाई टू द फर्स्ट क्वेश्चन, जो उसका फर्स्ट क्वेश्चन था, और फर्स्ट क्वेश्चन क्या था बेटा, देखिए यहाँ पे हमने पढ़ा कि फर्स्ट क्वेश्चन था व्हाट इज द राइट टाइम टू बिगिन समथिंग। फर्स्ट क्वेश्चन उसका क्या था, व्हाट इज द राइट टाइम टू बिगिन समथिंग, कि सही समय क्या था किसी चीज को स्टार्ट करने के लिए, बिगिन करने के लिए। और उसी के जो रिप्लाई में बहुत सारे लोग अलग अलग, मतलब अलग अलग रिप्लाई कर रहे हैं। तो यहाँ पे लिखा जा रहा है इन रिप्लाई द फर्स्ट क्वेश्चन, फर्स्ट क्वेश्चन के रिप्लाई में, जवाब में, सम सैड, कुछ लोगों ने कहा, सैड मतलब कहा, सेकंड फॉर्म, इसका फर्स्ट फॉर्म क्या होता है, से मतलब कहना, सैड मतलब कहा। सो सम सैड, कुछ लोगों ने कहा द किंग मस्ट प्रिपेयर अ टाइम टेबल, है ना, कुछ लोगों ने कहा द किंग मस्ट, मस्ट मतलब अवश्य ही चाहिए, शुड मस्ट का यूज आपने पढ़ा है ना, है ना नेहा बेटा, शुड मस्ट का यूज आपने पढ़ा है क्या, नेहा यादव, जय, मुस्कान बेटा पढ़ा है ना, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे मस्ट का सेंटेंस आ गया, लोग क्या बोल रहे हैं, सम सेड, कुछ लोगों ने कहा द किंग मस्ट प्रिपेयर, किंग को अवश्य ही प्रिपेयर करना चाहिए अ टाइम टेबल, एक टाइम टेबल, है ना, एंड देन फॉलो इट स्ट्रिक्टली, और उसे स्ट्रिक्टली इसे फॉलो करना चाहिए, है ना, मतलब किंग को एक टाइम टेबल बनाना चाहिए और स्ट्रिक्टली हार्डली उसे क्या, उसे फॉलो करना चाहिए उस टाइम टेबल को। ओनली इन दिस वे, ओनली केवल इन दिस वे, इसी तरीके से दे सेड, उन्होंने कहा, कुड ही डू एवरीथिंग एट इट्स प्रॉपर टाइम, कुड सकेगा, कुड का यूज पढ़ा होगा ना, कैन और कुड, कैन यूज फॉर द प्रेजेंट टाइम एंड कुड ऑल्सो यूज फॉर द पास एंड द फ्यूचर। तो यहाँ पे बोला जा रहा है कुड ही डू, वो कर सकेगा एवरीथिंग, सब कुछ एट इट्स प्रॉपर टाइम, उसके प्रॉपर टाइम पे। अदर सेड, तो दूसरे व्यक्ति ने कहा, अदर सेड, दूसरे ने कहा दैट इज, अदर सेड, दूसरे ने कहा दैट इट वॉज इम्पॉसिबल टू डिसाइड इन एडवांस द राइट टाइम फॉर डूइंग समथिंग, है ना। तो दूसरे व्यक्ति ने कहा इट इज इम्पॉसिबल, हाँ यहाँ पे है, इट वॉज इम्पॉसिबल टू डिसाइड इन एडवांस, कि ये इम्पॉसिबल था एडवांस में डिसाइड करना द राइट टाइम फॉर डूइंग समथिंग, कि हम पहले से ही पता कर लें कि कौन सा काम कब करना है, ये काफी इम्पॉसिबल है, है ना, दूसरा व्यक्ति बोला। फिर हम आगे पढ़ते हैं एडवांस, द किंग शुड नोटिस ऑल दैट वॉज गोइंग ऑन, फिर कोई दूसरा बोल रहा है कि द किंग शुड, शुड मतलब चाहिए, है ना, शुड मतलब क्या होता है बेटा, चाहिए। तो सेकंड व्यक्ति बोल रहा है द किंग शुड नोटिस, किंग को नोटिस करना चाहिए ऑल दैट, वो सभी चीजें वॉज गोइंग ऑन, जो उसके चारों तरफ चल रही है। अवॉइड फुलिश प्लीजर्स, है ना, उसे जो फुलिश प्लीजर्स होते हैं, मतलब जो उसके फुलिश प्लीजर, मतलब हम बोल सकते हैं कि जो फालतू में उसकी जो तारीफें हैं, तारीफें लोग करते हैं ना राजा की, तो बहुत सारे लोग तारीफें करेंगे कि राजा खुश हो जाएगा, किंग खुश हो जाएगा, तो उन्हें गिफ्ट दे देगा,
है ना। तो बहुत सारे लोग जो कोर्ट में रहते हैं वो फालतू में अननेसेसरीली वो किंग की प्लीजर करते होंगे। तो वो व्यक्ति बोल रहा है कि किंग शुड नोटिस ऑल, किंग शुड नोटिस ऑल दैट व्हाट वाज गोइंग ऑन। किंग को सब कुछ वो नोटिस करना चाहिए जो उसके चारों तरफ चल रहा है। अवॉइड फुलिस प्लीजर, उसे ये जो फुलिस प्लीजर्स है ना, फालतू का जो उसकी तारीफें हैं उसे अवॉइड करना चाहिए। एंड और ऑलवेज डू एवरी एवरी सिम्ड एंड ऑलवेज डू एवरी सिम्ड नेसेसरी एट द टाइम। और हमेशा करना चाहिए सभी चीजें जो उसे महसूस हो रही है टाइम पे, है ना। सिम जो उसे लग रहा है नेसेसरी है उसे टाइम पे करना चाहिए। फिर बात कर रहा है, येट अदर सेड, तो दूसरे ने कहा दैट कि द किंग नीड अ काउंसिल ऑफ वाइस मैन। तो एक व्यक्ति बोला कि यार किंग को ना एक काउंसिल चाहिए। काउंसिल मतलब क्या होता है? तो देखिए यहाँ पे सेंस भी लिखा है, ये देख रहे हैं बुक के साइड में सेंस लिखा है, काउंसिल अ ग्रुप ऑफ पीपल। मतलब काउंसिल क्या होता है? एक ग्रुप ऑफ पीपल होता है ना, चूज टू गिव एडवाइस और टू मेक रूल्स, है ना। काउंसिल क्या होता है? कुछ लोगों का ग्रुप होता है जो क्या करते हैं, एडवाइस करते हैं किंग को या रूल्स बनाते हैं। तो एक व्यक्ति बोल रहा है, येट अदर सेड द किंग नीड मतलब आवश्यक है ना, नीड मतलब किंग आवश्यक है, किंग के पास होना आवश्यक है। और काउंसिल ऑफ वाइस मैन, एक काउंसिल वाइस मैन की है ना, है ना। मतलब एक व्यक्ति बोल रहा है कि जो किंग है उसके पास क्या होना चाहिए, एक काउंसिल होना चाहिए, किसका, वाइस मैन्स का, है ना। हु वुड हेल्प हिम एक्ट एट द प्रॉपर टाइम, जो उसे हेल्प करेगा, हु वुड वो करेगा हेल्प हिम, किसको, किंग को, एक्ट एट द प्रॉपर टाइम, कि सभी काम को प्रॉपर टाइम पे करने के लिए हेल्प करेगा। दिस वॉज बिकॉज, क्योंकि दिस वॉज बिकॉज, ये था क्योंकि वन मैन वुड फाइंड इट इम्पॉसिबल टू डिसाइड करेक्टली विथआउट हेल्प और हेल्प फ्रॉम अदर। क्योंकि ये जरूरी है, मतलब वो व्यक्ति क्या बोल रहा है, काउंसिल रखना तो जरूरी है क्योंकि एक मैन के लिए इम्पॉसिबल है कि वो सभी चीज को सही समय पे करने के लिए खुद ही डिसाइड कर ले, है ना। द राइट टाइम फॉर एवरीथिंग, कि क्या सही समय है उसे डिसाइड कर ले। जय बेटा, ये आप कैमरा सेट कीजिए और ये आपके ब्रदर को साइड में हटाइए, नहीं तो मैं आपको रिमूव कर दूंगा, है ना। क्लास चल रही है, इट इज नॉट, ये कोई नाटक नहीं है बेटा, क्लास चल रही है ना। आप सिस्टमैटिक बैठा करें, नहीं तो मैं आगे पास से, अगर आप अनसिस्टमैटिक होंगे मैं आपको ना यहाँ से ब्लॉक कर दूंगा। तो यहाँ पे बात किया जा रहा है, ऑलवेज डू व्हाट सीम्स नेसेसरी, सॉरी मैं यहाँ पे पढ़ा था, दिस वाज बिकॉज, ये जरूरी है क्योंकि वन मैन वुड फाइंड इट इम्पॉसिबल, एक मैन के लिए इम्पॉसिबल है टू डिसाइड करेक्टली, करे मतलब डिसाइड करना कि क्या सही है विथआउट हेल्प फ्रॉम अदर। मतलब वो बोल रहा है कि भैया एक मैन के लिए इम्पॉसिबल है कि वो डिसाइड कर ले कि क्या किस टाइम पे करना चाहिए, और इसलिए उसे काउंसिल ऑफ मेंबर रखना चाहिए। किस लिए, द राइट टाइम फॉर एवरी एक्शन, कि क्या है राइट टाइम सभी एक्शन के लिए, है ना। चलिए यहां तक हमने पढ़ा, ये स्टोरी को तो मैं और भी कंटिन्यू कर दूंगा, लेकिन मेरा क्लास अभी कुछ टाइम में खत्म होने वाला है। तो एक बार मैं क्या करता हूँ, ये जो फर्स्ट पेज अभी तक हमने पढ़ा है, एक बार हम इसे फिर से रिवाइज कर लेते हैं, है ना। देख लेते हैं यहां से वहां तक सिस्टमेटिक एक बार पढ़ लेते हैं, फिर आप घर पे बुक रीडिंग कीजिएगा, तो आगे पेजेस तक आप पढ़िएगा और फिर हम इसे कल से फिर से कंटिन्यू करेंगे। तो चलिए फटाफट इसे हम देख लेते हैं। देखिए लेसन वन, बिफोर यू रीड, पढ़ने के पहले, अ किंग है थ्री क्वेश्चन, एक किंग के पास थ्री क्वेश्चन है, एंड ही इज सीकिंग, सीकिंग मतलब अटेम्प्टिंग टू फाइंड, है ना। सीकिंग का सेंस क्या होता है, अटेम्प्टिंग टू फाइंड मतलब इसे ढूंढना, है ना। हम किसी क्वेश्चन का आंसर ढूंढते हैं ना, तो सीकिंग मतलब ढूंढना, अटेम्प्टिंग टू फाइंड। ही इज सीकिंग आंसर टू देम, और वो उसके लिए आंसर ढूंढ रहा है। व्हाट आर द क्वेश्चन, ये क्वेश्चन क्या है। डज द किंग
गेट व्हाट ही वांट, क्या उसे मिलता है जो वो चाहता है। तो चलिए यहाँ से है द थ्रोट द थॉट कैम टू अ सर्टेन किंग, एक विचार किसी राजा के दिमाग में आता है दैट कि ही वुड नेवर फेल, वो कभी फेल नहीं होगा इफ ही नो न्यू थ्री थिंग्स, अगर उसे तीन चीजें मालूम है। दिस थ्री थिंग्स वर, ये तीन चीजें थी, व्हाट इज द राइट टाइम टू बिगिन समथिंग, कि क्या सही समय है किसी चीज को चालू करने के लिए। व्हाट पीपल शुड ही लिसन टू, उसे किनकी बात सुननी चाहिए। और थर्ड क्वेश्चन है व्हाट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग फॉर हिम टू डू, और क्या जरूरी चीज है उसे खुद के लिए करने के लिए। फिर बताया जा रहा है द किंग, मतलब स्टोरी आगे बढ़ती है, द किंग देयरफॉर, इसलिए राजा ने इसलिए सेंड मैसेजेस थ्रू आउट हिज किंगडम, राजा ने इसलिए अपने मैसेंजर को थ्रू आउट मतलब पूरे किंगडम मतलब राजधानी में भेज दिया। प्रॉमिस, और उसने प्रॉमिस किया, ही प्रॉमिस्ड अ लार्ज सम ऑफ मनी टू एनीवन, और उसने प्रॉमिस किया एक अच्छा अमाउंट देने के लिए एनीवन हु वुड आंसर दिस थ्री क्वेश्चन, जो इन तीन क्वेश्चन के आंसर देगा, है ना। फिर आगे देखते हैं, मेनी वाइज मैन कैम टू किंग, बहुत ये जब मैसेज सब तक पहुंचा तो बहुत सारे बुद्धिमान लोग किंग के पास आए कि हम आंसर दे देंगे तो हमें गिफ्ट मिलेगा अच्छा सा। बट दे ऑल आंसर्ड, लेकिन उन सब ने जवाब दिए हिज क्वेश्चन, उनके क्वेश्चन के डिफरेंटली, अलग अलग, है ना। इन रिप्लाई द फर्स्ट क्वेश्चन, अब फर्स्ट क्वेश्चन के रिप्लाई में क्या क्या जवाब आ रहा है, क्या क्या रिप्लाई आ रहा है हम देखते हैं। In reply the first question के reply में some said the king must prepare a timetable, कुछ लोगों ने कहा कि king को एक timetable बनाना चाहिए and then follow it strictly, और उसे strictly follow करना चाहिए। Only in this way, इस तरीके से they said could he do everything at its proper time, इसी तरीके से टाइमटेबल बना के उसे strictly follow करके वो सभी चीजों को time पे कर पाएगा। Other said, तो दूसरे ने कहा that it was impossible to decide in advance the right time for doing something, तो दूसरों ने कहा कि एडवांस में ना डिसाइड करना इम्पॉसिबल है कि किसी भी चीज को करने के लिए सही समय क्या है। द किंग शुड नोटिस ऑल दैट वॉज गोइंग ऑन, किंग को नोटिस करना चाहिए जो भी उसके आजू बाजू चल रहा है। अवॉइड फुलिस प्लीजर, उसे फुलिस प्लीजर जो अननेसेसरी जो तारीफे है उसे अवॉइड करना चाहिए। एंड और Always do whatever seemed necessary, और हमेशा उसे वही करना चाहिए जो उसे लगता है कि ये necessary है at that time, उस समय। Yet others said that, तो दूसरे ने कहा कि the king needed a council of wise men, king को ना council चाहिए, group चाहिए समझदार लोगों का, who would help him at the proper time, जो उसे बताए कि क्या चीज किस समय पे किस proper time पे start करना चाहिए। This was because, ये जरूरी है क्योंकि one man would find it impossible to decide correctly, क्योंकि एक व्यक्ति के लिए impossible है कि वो पता कर ले कि क्या correct है without help of the other, कि बिना किसी के help के क्या correct है वो पता कर ले। The right time for everything, है ना, कि क्या सही समय है किसी चीज को start करने के लिए। चलिए हमने 1.5 पेज समथिंग पढ़ा है, आप बुक परचेस कीजिए या अरेंज कीजिए, है ना। और ये स्टोरी और जो भी दो सब्जेक्ट चल रहे हैं अभी, आगे आने वाले दिनों में आपके और भी सब्जेक्ट चलने वाले हैं, उसे रीड कीजिए, है ना। तो चलिए हम फिर मिलते हैं नेक्स्ट डे सेम टाइम पे, तब तक आप लोग इसे रीड करके रखिएगा और ये स्पीड में बढ़ा दूंगा, ओके बेटा। तो चलिए हम मिलते हैं फिर नेक्स्ट डे, बाय।